नमस्कार फ्रेंड्स, वी ऑल हर्ड पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। मोदी गवर्नमेंट एंड दिल्ली पुलिस हैज नाउ प्रूव्ड इट इन द फेक टूल किट केस। हु हैज कमिटेड फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स? भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स स्पोक्स पर्सन। हु आर द वंस हु आर गिल्टी ऑफ पुटिंग आउट फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, पुटिंग देम आउट एज करेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स लीडर्स एंड इट्स स्पोक्स पर्सन। हु शुड बी हेल्ड गिल्टी फॉर कमिटिंग दिस क्राइम? भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स स्पोक्स पर्सन। बट दिस इज अ केस ऑफ क्लासिकल रिवर्स इन्वेस्टिगेशन व्हेन दिल्ली पुलिस इंस्टेड ऑफ रेडिंग द ऑफिस ऑफ बीजेपी, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग मिस्टर जेपी नड्डा एंड देयर स्पोक्स पर्सन, इज रेडिंग ट्विटर थ्रू एंटी टेररिस्ट सेल। Is that what freedom of speech has come to in Modi's new India? Instead of questioning and calling the union ministers who have put out fake and forged documents, they are questioning and raiding Twitter and issuing notices to the Congress party. And that's why we have now asked Twitter to declare all of union ministers' tweet as manipulated media, so that the truth comes out and is placed before the people. For however hard you may try, Modi ji, the truth will not go away. It will continue to haunt the BJP. Jai Hind.